नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी का ग्राफ क्या कहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल ट्रेंड, फाइनेंशियल रेशियोज क्या कहते हैं। वीडियो के बिल्कुल एंडिंग पार्ट में अपन ये वाली चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक वो जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि टाटा मोटर्स एक लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ये तरह तरह के व्हीकल्स बनाते हैं, जैसे कार्स, स्पोर्ट्स कार्स, ट्रक्स, बसेस एंड डिफेंस व्हीकल्स आदि। ये कंपनी इंडिया के अलावा यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया में भी अपनी सब्सिडरीज या फिर एसोसिएट कंपनीज के थ्रू काम करती है। अब दोस्तों इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो देखते हैं। तो सबसे पहले ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 5.95% है, मतलब 6%, जो कि ऑफकोर्स बहुत कम है। इसका दोस्तों सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी 100 रुपये खर्च करके लगभग कितना रुपये जनरेट कर पा रही हो। तो कंपनी लास्ट के ईयर्स में लगभग 100 रुपये खर्च करके लगभग 106 रुपये ही जनरेट कर पा रही है, जो कि ऑफकोर्स एक बुरा अमाउंट है। बट दोस्तों अपन बिना बेस के इस चीज को बुरा नहीं कहेंगे, अपन देखेंगे कि इसी सेक्टर की बाकी कंपनीज का ROCE क्या कहता है। तो टाटा मोटर्स का जो ROCE है वो 5.95% है, जबकि अशोक लीलैंड जो कि इस सेक्टर की एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है, उसका ROCE 11.43% है। इलेक्ट्रा, ग्रीनटेक एंड SML इसुजू का भी जो ROCE है वो इस कंपनी से काफी बेहतर है। तो दोस्तों इस कंपनी के ROCE को अपन एक नेगेटिव पॉइंट मान करके चलेंगे और अब इसके बाकी रेशियोज देखते हैं। तो अब देखते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर PE रेशियो। तो इस कंपनी का PE रेशियो 141.29 है, जो कि ऑफकोर्स एक बार फिर से एक बहुत ही बुरा रेशियो, क्योंकि इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कंपनी 1 रुपये जनरेट करने के लिए लगभग 141.29 रुपये खर्च कर रही है, और सेक्टर का PE भी अगर देखोगे तो 80 के आसपास है, और इसका जो PE है वो सेक्टर के PE से भी काफ़ी ज़्यादा है। इस कंपनी का जो PB है वो भी ऑफकोर्स बहुत ही सही रेशियो नहीं, बट सेक्टर के PB से अच्छा है। तो इसका मतलब है कि इस सेक्टर में जितना इन जनरल कंपनीज का PB रहता है तो उससे बेहतर है, इसका मतलब ठीक ठाक रेशियो है इनका जो PB रेशियो है। अब दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते ही आप चौंक जाएंगे। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता है कि ये एक ट्रस्टेबल, भरोसेमंद और फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, क्योंकि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग जो कि इस कंपनी के ऑनर्स की होल्डिंग है वो बेसिकली 46.37% है। इसका मतलब है कि कंपनी के ऑनर्स को खुद की कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पर इन्वेस्टिंग भी 10% के आसपास है, इसका मतलब भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में लाखों करोड़ों का फंड मैनेज कर रहे होते हैं जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर हैं, और म्यूचुअल फंड के मैनेजर के पास बहुत सारी एक्सेस रहती है, बहुत सारी टूल्स रहते हैं, बहुत सारी रिसर्च एनालिसिस पावर रहती है उनके पास। तो अगर उन्होंने भी यहाँ पर 10% पैसा लगा रखा है तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सिर्फ 17% के आसपास इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिटेल्स की है, जो कि एक और अच्छा साइन है। तो बेसिकली दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद आप सिंपली एक चीज कह सकते हो कि इस कंपनी में पैसा लगाने के बाद आपका पैसा डूबने नहीं वाला इन द लॉन्ग रन। तो बेसिकली अपन इसको एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट मान करके चलेंगे। अब दोस्तों इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पाओगे कि इस कंपनी ने लास्ट के 3 ईयर्स में तो अपने रेवेन्यू को लगातार ग्रो किया है, और 4 ईयर्स का रेवेन्यू आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, और उसके अलावा अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो सिर्फ लास्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 में ही इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाना शुरू किया। इसके पहले ये कंपनी ने बैक टू बैक 3 ईयर्स तक लॉस ही बुक किया था। बट दोस्तों अपन टोटल फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर ऑब्जर्व करें तो इसको अपन ना तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना ही बहुत ज्यादा नेगेटिव कह सकते हैं। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ देख लेते हैं। तो लास्ट के एक दिन का ग्राफ, एक वीक का ग्राफ, एक मंथ का ग्राफ, एक ईयर का, 5 ईयर का ग्राफ, तो आप पाओगे कि लास्ट के 5 सालों में इस कंपनी ने लगभग 462% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैक्सिमम ग्राफ अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने मैक्सिममली 2000% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए, जो कि ऑफकोर्स एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस ग्राफ में आप एक डाउनफॉल जरूर देखोगे, वो कोविड के टाइम का डाउनफॉल है। आप देखोगे 2020 के आसपास इस कंपनी का जो शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी वो सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से आई थी। अब फाइनली दोस्तों ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद अगर अपन यहाँ पे सोचें कि अपन को इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वेस्ट करना डेफिनेटली एक बहुत ही बुरा साइन तो बिल्कुल भी नहीं है, या फिर बहुत ही बुरा डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, यहाँ पे इतने सारे म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगा रखा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इतना सारा पैसा लगा रखा है, तो अगर उन्होंने पैसा लगा रखा है तो आप खुद अंदाजा लगाओ ना कि इस कंपनी में पोटेंशियल तो डेफिनेटली बहुत सारा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। लास्ट के कुछ सालों में इस कंपनी ने लॉस जरूर बुक किया, बट आप देखो लास्ट के ईयर में इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाना भी शुरू कर दिया। ऑफकोर्स इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियो बेकार से हो रहे हैं, बट मैं फिर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, फाइनेंशियल ट्रेंड को भी यहाँ पे प्रायोरिटी दूंगा, और जो कि मुझे पॉजिटिव ही लग रहे हैं थोड़े थोड़े। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना डेफिनेटली सही हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से और कितने टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। मेरे ख्याल से
यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो अगर आप, और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये कंपनी एक से दो महीने में ही आपके पैसे को डबल कर देगी क्योंकि इसका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी 400,000 करोड़ को क्रॉस करने वाला है। तो बड़ी कंपनी डेफिनेटली आपके पैसे को बहुत जल्दी डबल नहीं करती, बट लॉन्ग रन में वो कंपनी आपके पैसे को बहुत अच्छे से डबल कर सकती है। तो पर्सनली दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट लॉन्ग रन के लिए, ना कि शॉर्ट रन के लिए। बट फिर भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो, क्योंकि अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही किसी को भी किसी भी कंपनी को चूज करना पड़ता है। अब पर्सनली दोस्तों अगर मैं अपना बताऊं कि मैं इस कंपनी में क्या करने वाला हूं, तो अगर मेरे पास कुछ ऐसे पैसे होंगे जिन पर मैं सिर्फ 20-30% के आसपास के स्टेबल रिटर्न्स चाहूंगा, तो मैं डेफिनेटली इस कंपनी को पिक कर लूंगा। तो फाइनली दोस्तों इस वाली वीडियो में इतना ही। एंड स्क्रीन में आप लोगों को एक वारी का वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसने लास्ट के 4-5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 20,000% से ज्यादा रिटर्न्स दिए, तो वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।